ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आरके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आरके एजुकेशन में। थोड़ी सी आज तबीयत ठीक ना हो पाने की वजह से मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा आज, मतलब वही 40-45 मिनट की क्लास करके आज इसको हम ऑफ कर देंगे, बाकी अगली क्लास से हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा बेटा टेंस का डे 3 है, तीसरा दिन है, वैसे तो इसकी 2 क्लासेस हुई है, तो उसमें क्या क्या चीजें हुई थी मैं एक बार आपको पहले बता देता हूँ चीजों को, ताकि आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाए। देखो हमने क्या क्या चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी बेटा, एक बार जरा उसके ऊपर हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार फटाफट से उसको। देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ से, हाँ टेंस का हमने कल की क्लास में यहाँ से स्टार्ट किया था कि डे 2 में चैप्टर पहले कॉन्सेप्ट नंबर सीखा था यूज ऑफ टाइम। अब टाइम का मैंने बताया था सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, ठीक है, और डिटेल में सिखाया था, मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको, ठीक है। जो फिक्स होता है वो सिंस है, जो अनफिक्स है, जो बढ़ सकता है वो फॉर है, राइट। अच्छा इसके बाद यहाँ की बात हमने फिर आगे बात करी थी कि यूज ऑफ सिंस, ठीक है, सिंस के 2 इस्तेमाल होते हैं, हमने बचपन से एक इस्तेमाल सीखा है कि सिंस के साथ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आता है, राइट। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी चीज और होती है, क्या कि सिंस के साथ टाइम ही नहीं, सिंस के साथ टेंस भी आता है, सिंस के साथ टाइम ही नहीं आता, टेंस का यूज भी किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस कौन सा आता है, हमेशा सिंपल पास्ट। कैसे आता है मैंने डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि दोबारा डिटेल में बताने की इतनी जरूरत है अभी आपको, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल भी मैंने देकर के बताया था आपको। उसके बाद फिर हमने देखा था कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें कि हमने देखा था टाइप ऑफ एक्शंस, एक्शन के टाइप कितने होते हैं, सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारी डिटेल हमने यहाँ जान ली थी, ओके। उसके बाद फिर हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे देखा कि सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस किस किस के साथ टाइम आएगा, किस किस के साथ टाइम नहीं आएगा। तो कंटीन्यूअस को छोड़ करके बाकी सबके साथ टाइम आ सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि सिंपल के साथ टाइम आता है सिर्फ और सिर्फ हैबिट केस में, बाकी दोनों में आ सकता है, मीनिंग एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। एग्जाम्पल मैंने ये दे दिए थे आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके साथ मैंने आपको रिलेट करके बताया था, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक हो गया, लिखो अगला। सर एक बार जो लास्ट एग्जांपल था इसमें मूव दबाना, एक बार दोबारा बोलो सर, जो आपने ये लास्ट एग्जांपल करवाया था इसमें लिव्ड वाला जो सिंपल पास्ट में आ रहा था वर्ब के सेकंड फॉर्म, एक बार वो दोबारा बताओ। आप कल की क्लास में थे प्रतिभा, परसों की आप सैटरडे वाली क्लास में थे प्रतिभा? हाँ जी सर। आया ना तो बोलो। हाँ सर, हाँ थी। अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो प्रतिभा अब बताओ क्या पूछ रहे थे। मैं देखो ज्यादा टाइम मत लगाओ, इरिटेशन हो जाती है, देखो फट से पूछ लिया करो। देखो मैं बताता हूँ, आपने ये पूछा शायद कि सर ये लिव्ड जो था ये सिंपल पास्ट कैसे था और हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बदल दिया, ठीक है। एक सेकेंड, सीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी देखो कैसे, यहाँ अकेला लिव्ड लिखा था तो जाहिर सी बात है बिना हेल्पिंग वर्ब के कौन सा टेंस आता है पूरी इंग्लिश के अंदर, एक ही टेंस है सिंपल पास्ट, ठीक है। बाकी सभी में तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है ना, सिंपल पास्ट ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो ये लिव्ड अकेला सिंपल पास्ट था। अब आपको पता है सिंपल के साथ टाइम का यूज होता है सिर्फ हैबिट में, पर लिविंग कोई हैबिट की कैटेगरी का वर्ड नहीं है, तो इस वजह से हम इसको हैबिट से हटा देते हैं, सिंपल काट दिया। अच्छा अब इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम इसको परफेक्ट में बना दें या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना लें, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। वैसे अगर आपको ज्यादा इसकी डिटेल और चाहिए तो अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है, अगले में थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, अभी थोड़ा सा ना ठीक है सर, तबीयत सही नहीं है ना तो बार बार इरिटेट हो जाता है, वही चीज बार 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 रिपीट करेंगे। आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, प्रतिभा डैश, एक सेकंड नहीं, ये वाला नहीं, पहले आपको वो वाला समझा देता हूँ जो कि ये अगली क्लास के लिए रखते हैं। हाँ लिखो, पॉजिटिव केस जो लंबा टाइम लेने वाला है ना उसको अभी मैं नहीं करा रहा, पॉजिटिव केस लिखो। अगर कभी भी पॉजिटिव केस के साथ टाइम का यूज
ना किया जाए। तो सेंटेंस का सेंटेंस बनाया जाता है सिंपल में, ठीक है। और अगर पॉजिटिव केस के साथ, लिख लो जल्दी से, टाइम का यूज हो जाए तो बनता है किसमें, लिखो फटाफट, परफेक्ट टेंस के अंदर। जल्दी हाथ चलाओ। अगर पॉजिटिव के साथ टाइम ना हो, टाइम मेंशन ना दिया गया हो, तो इसके बाद में क्लास में, ठीक है। अगर पॉजिटिव केस के साथ टाइम ना दिया गया हो तो बनाओ सिंपल टेंस में, और अगर टाइम हो तो बनाओ परफेक्ट टेंस में। चलो अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिखिएगा ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि अधिकार, अधिकार वाली बात है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि निधि कहती है कि शी इज माई फ्रेंड, आई हैव, शी इज माई फ्रेंड, शी रॉट अ पोयम, तो इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें, निधि कह रही है कि मेरे पास एक किताब है, तो ये अधिकार वाली बात है। उसके पास एक गाड़ी है, ये अधिकार वाली बात है। मेरे पास एक नॉवल थी, ये भी अधिकार है, लेकिन पास्ट वाला। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ होना, मालिकाना अधिकार वाली बात, उसी को पॉजिटिव केस कहते हैं, राइट। तो इसी का ये नियम है। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से सीखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिएगा जरा एक एग्जाम्पल, लिखो, अरविंद हैज अ नॉवेल फॉर 3 months, बट नाउ ही इज प्लानिंग टू सेंड इट टू हिज फ्रेंड। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर दो, कोशिश करो एक बार, ये उतार लो एक बार पहले, तो जल्दी जल्दी से ये जल्दी से नोट कर लो एक बार, उसके बाद आप जो भी आपको ठीक लगे आंसर करो। ये जुकाम का किसी को घरेलू इलाज पता है क्या? बढ़िया वाला मीठा वाला इलाज, ये कड़ा वाला मत बोलना है प्लीज। सर वो ले लो आप दालचीनी और दालचीनी और काली मिर्च का, उसमें वो मतलब मिक्सचर बनाकर और शहद डाल देना, उससे आपका जुकाम सही हो जाएगा। मतलब मीठा वाला इलाज बता रहे हो ना? सर मैं बताती हूँ, सबसे अच्छा है पानी में मिक्स डालकर उसकी भाप ले लो। चाय सर, चाय सर, दूध हल्दी। अरे भाई साहब कितने सारे डॉक्टर बैठे हो यार, एक काम करना, अपने अपने ना नुस्खे मेरे को व्हाट्सएप कर, सर दूध हल्दी मैं आपकी मैडम को दिखा दूंगा यार, वो मेरे वाले सबसे जल्दी होगी ठीक, काढ़ा पिला पिला करके भेज जान ले। चलो चलो, अरविंद हैज हैड अ नॉवल, अरविंद हैज, अपने अपने ना जो नुस्खे है मुझे एक बार व्हाट्सएप पे लिख के बता देना, मैं क्लास के बाद। ओके सर, सब मेरे भी हो रखी है अभी। ओके सर, एक बार आता है सर, दो पैक ले लो बाबा, ये बढ़िया। चलो, अरविंद हैज अ नॉवल फॉर 3 months, बट नाउ ही इज प्लानिंग टू सेंड इट टू हिज फ्रेंड। देखो आंसर है इसका, अरविंद हैज हैड, ठीक है, हैज और हैड एक साथ आएगा। अब ये बताओ आप में से किस किस को ये लॉजिक पहले से पता था? सब म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दूं आपको? ठीक है, ये लो। चलो मैं समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को ये पहले से पता है लॉजिक कैसे हैज और हैड एक साथ आया, और किस किस को नहीं पता है वो एक बार ठेंगा दिखाइए, तो पहली बार देख रहा है कि सर हैज और हेड एक साथ कैसे आया। अच्छा, काफी बच्चे ने, जनसंख्या ज्यादा है कि हैज और हेड कैसे आया। चलो लॉजिक पे चलते हैं, ठीक है, हम सर तो फिलहाल उतार लिया होगा आपने, हैज और हेड एक साथ आया है। चलो लॉजिक पे आते हैं इसके, ठीक है, गौर से सुनना बच्चों। आई हैव दिस कार फॉर 3 years, बट नाउ I am planning to change it. ठीक है, मेरे पास ये गाड़ी 3 साल से है, बट अब मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज करूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में आपको पार्टिसिपेट करना जो मैं आपसे पूछूँ। फॉर 3 years ये टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है। आई हैव दिस कार, मेरे पास ये गाड़ी है, ये हमारा टेंस वाला पार्ट आ गया, पॉजिटिव मतलब टेंस आ गया। अब ये बताओ आई हैव दिस कार ये कौन सा टेंस है, बताओ बच्चों एक बार। सर प्रेजेंट।
अरे क्या सिंपल में सिंपल है या सिंपल सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ओके निधि मोनिन मोनो मोनो सिंपल प्रेजेंट यस सर ये सिंपल प्रेजेंट होगा इसमें हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है ओके बाकी बच्चे भी बताएंगे कुछ भैया सिंपल है या परफेक्ट है परफेक्ट है सिंपल तो बोलना चाहिए परफेक्ट है सर देखो अब आ रहे हैं आंसर असली तो प्रतिमा प्रथम निधि परफेक्ट है सिंपल परफेक्ट है सर पॉजिटिव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश तो कौन सा टेंस है आपने आई हैव दिस कार्य कुछ है परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा क्योंकि इसमें 4 3 इयर्स आ रहा है ना पॉजिटिव टेंस है सर पॉजिटिव टेंस है परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा बेटे बहुत बढ़िया शाबाश बिल्कुल गलत आंसर है परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है बेटा आईएनजी तो नहीं आ रहा ना तो परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा क्या होगा वो फिर पहले अब सर पॉजिटिव टेंस अब वो परफेक्ट बोलो परफेक्ट 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 है बेटे बहुत बढ़िया बिल्कुल गलत आंसर है सुनो बस सिंपल प्रेजेंट दे हैव बॉट अ कार ठीक है और एक और दे हैव अ कार ठीक है अब ध्यान से पढ़े बच्चों यहाँ पे हमारे पास दे हैव बॉट अ कार और दे हैव अ कार इसमें हमारे पास दोनों में हैव आ रहा है तो क्या दोनों को परफेक्ट बोल सकते हैं जी नहीं फर्स्ट वाला ही होगा परफेक्ट देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है नीचे वाले में आ जाओ यहाँ पे हमारे पास क्या कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है जी नहीं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं दिख रही है यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है तो ऐसे में क्या होगा जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है यही मेन वर्ब बन जाएगा हमेशा याद रखो जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है इस बात को हमेशा याद रख लो गांठ बांध लो दिमाग में ये इंग्लिश का सबसे बड़ा उसूल होता है कि अगर हमारे पास मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग ही है और अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है ठीक है यानी जब पिताजी घर पे होते हैं तो बेटा बेटा रहता है और पिताजी घर पे ना हो तो बाकी आप समझदार हो ठीक है अब ये हमारे पास मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म भी होगी हर मेन वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिख लेना जैसे गो वेंट गॉन और यही गो जो होता है हम इसे गो बोलते हैं ही शीट के साथ ईट एट ईटन और इसी ईट को हम ईट्स बोलते हैं ही शीट के साथ उसी तरीके से हैव हैड हैड और यही हैव जो है इसे हैज बोलते हैं ही शीट के लिए अब यहाँ पे have जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म निकली बच्चों बोलो फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस बना सिंपल प्रेजेंट मेरी बात समझ में आई हाँ या ना yes. क्लियर हो गया सबको ये सिंपल प्रेजेंट कैसे बना सबको क्लियर हो गया एक बार टेंगा दिखा दो क्लियर है तो अगर डाउट है तो पूछ लो भैया हाथों हाथ जल्दी से अगर डाउट है तो पूछ लो अगर डाउट नहीं है तो बस टेंगा दिखा दो क्लियर सर डन डन चलो अब क्लियर हो चुका है इसका मतलब अब देखो ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आई हैव अ कार सिंपल प्रेजेंट है तो आई हैव दिस कार भी सिंपल प्रेजेंट होगा तो ये हमारा बना सिंपल प्रेजेंट टेंस अब आ जाओ आप पिछले वाले क्लास के नियम पे अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सिंपल के साथ टाइम का यूज करते हैं लेकिन किसमें ओनली हैबिट तो यहाँ हैबिट तो है नहीं हैबिट तो है नहीं तो इसका मतलब ये तो सिंपल गया क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना हैबिट तो तब होगा जब कोई एक्शन वर्ब हो सिंपल के साथ नहीं बनाएंगे अब आ जाओ कंटीन्यूअस के साथ टाइम इसके साथ तो पॉसिबल ही नहीं है हटाओ कंटीन्यूअस में भी बना सकते अब बचा परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस ठीक है अब परफेक्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट दोनों के साथ टाइम आता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल में होता है आईएनजी होता है कि नहीं होता परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल में होता है आईएनजी और यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं तो आईएनजी कहाँ लगाओगे ये भी कंफ्यूजन है जब एक्शन वर्ब है ही नहीं तो आईएनजी कहाँ लगाओगे ठीक है तो इसलिए यहाँ पे हम इसको इसमें भी नहीं बना पाएंगे इसमें भी इसमें तो बनेगा ही नहीं इसमें हम पहले काट चुके हैं बचा क्या परफेक्ट अब परफेक्ट में बनाओ इसे देखो सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यही तो होता है रूल बनाओ एक बार सब्जेक्ट उतार दिया हमने आई ऑब्जेक्ट उतार दिया दिस कार मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म ये कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है
हैड अभी सिखाया था पिछले मैंने आपको, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैड, हो गया। सब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट का काम खत्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम खत्म, हेल्पिंग वर्ब क्या बच गई, हैज और हैव, तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब बच गई, तो आई के साथ क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, हैव, हो गया आंसर, आई हैव हैड दिस कार, समझ में आया, बोलो यस। सर अगर हैव कोई हैड बना दे तो, सर अगर हैव नहीं हो और हैड ही बना दे उसको, आई हैड दिस कार, बेटा सिंपल पास्ट बन जाएगा ना, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी ना, फिर सिंपल तो फिर हो गया, सिंपल के साथ टाइम आता नहीं है, बताया तो था अभी, वो आता सिर्फ हैबिट में। ओके चलो शीनू डन, चलो एक बार ठेंगा दिखा दो भाई, अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो, फिर एक मुगली घुट्टी 555 भी देता हूँ। अरविंद क्लियर है, शाबाश, कोशिश डन, अरे वाह शाबाश, गोविंद कभी आ गया, मृदुल, भारद्वाज, करण, डेजी, मेजी, फेजी, ओके आगे चलते हैं। अब देखो इसको हम बोलचाल में जब यूज करते हैं तो वहां कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनो, मैं आपको बोलचाल में यूज करने लायक बताता हूँ। जैसे मेरे पास यह किताब है, ठीक है, तो जैसे हो गया मेरे पास एक किताब है, एक और ले लेते हैं, मेरे पास 3 वर्षों से ये किताब है, ठीक है। अब ध्यान से आप पढ़ें तो दोनों सेंटेंस के अंदर सिर्फ टाइम का ही तो फर्क है, बाकी सब सेम है, हम इसको कैसे बोलते हैं, आई हैव दिस बुक, यही होता है बच्चों, आई हैव दिस बुक, इसमें बस यही एक्स्ट्रा आ गया फॉर 3 इयर्स, ठीक है, बाकी सब तो सेम है। तो हमारी जो गलती होती है हम ये वो करते हैं कि आई हैव दिस बुक फॉर 3 इयर्स, जो कि अब आपको पता चल चुका है कि गलती कहाँ है, तो इसको कैसे करेंगे, आई हैव हैड दिस बुक, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब समझे मेरी बात को, ऐसे बोलना चाहिए। तो अगर आप बोलते हो ना मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, मेरे पास 3 साल से गाड़ी है, तो आई हैव Had this car. अब आप 3 साल बोलो, 3 घंटे बोलो, 3 महीने बोलो, कुछ भी बोलो, अगर पॉजिटिव के साथ टाइम लगा दिया तो एक हैड एक्स्ट्रा फालतू में लगाना पड़ेगा, समझ में आया, बोलो यस। यस सर, कुछ नया सीखने को मिला, यस सर, बहुत यस सर, बहुत बढ़िया, यस सर, अब ये अरविंद ने सीखा, गोविंद सर, बहुत बढ़िया, चलो जी, यस सर, यस सर। देखो बच्चों, अब अगर यहाँ पे सोच के चलो कि अगर यहाँ पे आई की जगह ही शी इट होता तो हैव की जगह क्या होता, हैज होता, तो शी हैज हैड, ऐसे करके बनता, शी हैज हैड दिस बुक, है ना। अगर यहाँ है की जगह था होता, था थी थे, तो क्या होता, आई हैड, दो बार हैड आ जाता है, समझे, लोग बाग जो दो बार हैड बोल के हीरो बन जाते हैं, आज समझ आया कैसे होता है, yes, बढ़िया, लॉजिक बढ़िया था ना, अच्छा था ना, मस्त मौज कर, चलो यही मैं कहता हूँ आपको कि भाई हमेशा वो सीखने के पीछे भागो जो आज तक नहीं सीखा, जो आज तक सीख ही लिया है दूसरों से, वही बार 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 घिस करके क्या फायदा है ना, हमेशा कुछ नया सीखने के पीछे भागो, आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट नंबर आई थिंक 6, आई थिंक देख लेना, मेरे को याद नहीं है, 6 या 7 जो भी है लिखो, लिखो जरा एक एग्जांपल, मिस्टर रॉय इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स हियर फॉर मैनी Years, ठीक है, और एक और दिल्ली मेट्रो, नीचे वाला बेटा आ चुका है पेपर में, दिल्ली मेट्रो इज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द लास्ट 17 years, उतारो उतारो और आंसर,
आंसर बताने की कोशिश करो। चलो आज मैं ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं ले पाऊंगा बच्चों, उसके लिए सॉरी। अभी जाकर के पहले खाना वाड़ा जो भी आपने लिखा है देखता हूँ, मिल जाएगा। मेरी कल्पना खराब हो जाए। बेटा हो गया हो तो फिर सर आप हाँ एक बार अपने अपने आंसर ट्राई करो। सर मिस्टर रॉय हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट टीचर, मतलब बीजमार की जगह टीचर्स में हाँ टीचर रहेगा, टीचर्स की जगह टीचर रहेगा। ओके एनीबॉडी एल्स? सर मिस्टर रॉय हैज बीन, कारण चलो जो ही बच्चा ये जो ईजेमार काट करके हैज या हैव या हैज बीन हैव बीन बोल रहा है, मेरा कारण बताओ एक बार। सर ये इसमें टाइम आ गया ना इसलिए वही वाला। अच्छा पास परफेक्ट लगेगा। चलो मैं बताता हूँ। अरे म्यूट करोगे, ये कौन है ये? अबे यार ए बंद करो यहाँ गंगा, ये अपना बहरी है मेरे नाक के लिए और तुम जो है। चलो नहीं बेटा टीचर्स ठीक है अपनी जगह पे, क्यों उसमें परेशान हो रहे हो, वो सही है टीचर्स ठीक है, वन ऑफ लिखा है ना, तो टीचर्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, गलती कहीं हो रहा है, गलती है ये नहीं आएगा, हैज बीन आएगा ठीक, हैज बीन आएगा। अब सुनो कैसे आएगा, जल्दी जल्दी इसको करवा देता हूँ ठीक है। देखो हम मित्र हैं बेटा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? We are friends. We are friends. ऐसा भी तो इंग्लिश में बोला होगा। देखो हम इसको बोलते हैं we are friends, नॉर्मल सा है, और अगर बोलना है पांच साल से दोस्त हैं तो पीछे पहले टाइम मेंशन कर दिया पर फाइव। We have been friends for 5 years. तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं? We are friends for 5 years लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। We have. We have been friends for 5 years. ये हमारा friends for 5 years. अब ऐसा कैसे हुआ? ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसका पहले तरीका बता देता हूँ ठीक है। वैसे इसके अंदर घुसेंगे तो लंबा चौड़ा है, बहुत लॉजिक कॉन्सेप्ट है इसका, तो वो मैं भी आपको इतना डिटेल में वो वाला रोक करके मेन वाला पॉइंट बता देता हूँ कि भाई ऐसा कैसे ठीक है। चलो गौर से सुनो आप, देखो हाँ जी नया पेज में ले लेते हैं, लिख लो। अगर कभी भी इज एम आर वॉज वर या फिर बी, अगर कभी भी इनके साथ क्या जुड़ जाए बच्चों? टाइम। क्या जुड़ जाए? टाइम। तो याद रखें ये चेंज होके बन जाता है हैज या हैव प्लस बीन, ये चेंज होके बन जाता है हैड प्लस बीन, और ये चेंज होके बन जाता है हैव प्लस बीन। लिख लो अगर कभी इनके साथ टाइम जुड़ जाए तो ये बन जाता है, लिखो फटाफट से। सर अगर ऐसे हो कि हमें 5 साल हो गए फ्रेंड्स बने, इसके लिए बेटा सेम ही बनेगा क्योंकि इसमें कोई कंप्लीशन नहीं दिखा सकता ना, कोई एक्शन वर्क थोड़ी हो रहा है। चलो डन डन डन, बढ़िया बेटा। देखो अब क्या है, अब आप लोग कहोगे कि सर एक्शन वर्ब नहीं आएगा सर, क्या ये रूल तभी काम करेगा? तो नहीं बेटा, चाहे आईएनजी सेंटेंस के अंदर आईएनजी हो चाहे ना हो, ये रूल हर जगह अप्लाई होगा, याद रखें। चाहे सेंटेंस में आईएनजी हो या चाहे ना हो, ये दोनों रूल सब पे एप्लीकेबल है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे देखो साक्षी इज प्लेइंग ठीक है, और साक्षी is my student ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, हाँ अभी नहीं है फिलहाल, यहाँ पे आई एन जी आ रहा है और यहाँ आई एन जी नहीं आ रहा ठीक।
अच्छा अभी टाइम नहीं लिखा ना तो सही है, लेकिन जैसे ही अगर हमने यहाँ टाइम जोड़ दिया फॉर फाइव आवर्स, ठीक है, या फिर फॉर फाइव इयर्स, जैसे ही टाइम जुड़ गया ना तो चाहे आई एन जी हो चाहे ना हो ये अपने आप ही चेंज होकर बन जाएगा ईजेमआर, चेंज होकर बन जाएगा हैज बीन। समझ में आया? बोलो यस। यस सर। चलो सबको डन डन डन। तो अगर मैं कहता हूँ कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, रिद्धिमा मेरी स्टूडेंट है, तो रिद्धिमा इज माय स्टूडेंट, और रिद्धिमा तीन साल से मेरी स्टूडेंट है, तो रिद्धिमा हैज बीन माय स्टूडेंट फॉर थ्री इयर्स। तो अब से आप लोगों की थोड़ी स्पीकिंग भी अच्छी हो गई, राइट? बहुत बार जो ऐसी ऐसी चीजें होती है जो स्पीकिंग के टाइम में लोग बार गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां, ठीक है। सोमा एक बार कैमरा ऑन करना, आपका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। आप वही हो सोमा जो मैं सोच रहा हूँ, गोलू वाली? हाँ जी सर, मैं गोलू ही हूँ। मैं सर कंप्यूटर पे ले रही हूँ क्लास, इसलिए मैं कैमरा नहीं कर रही। बिल्कुल अलग ही लगी अभी तो, अभी जस्ट तुमने ऑफ किया ना, अभी जस्ट मैं सोच रहा हूँ कोई आ रहे तो तुम तो नहीं सर, एकदम लग रहा है जैसे सूज गया हो पूरा मुंह हाथ, मधुमक्खी का छत्ता छू रहे थे क्या सर? मैंने तो कैमरा ऑन नहीं किया सर। शायद निकालने गई होगी, कोई बात नहीं, ऐसा मत अरे हद हो गई। चलो ऐसे मधुमक्खी का छत्ता अगली बार से तोड़ने जाओ ना तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो सर। शायद आपको लाके दूंगी शायद, है ना, मीठा बहुत पसंद है। चलो तो बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये कैसे कैसे हुए हैं वो मैंने आपको भी बता दिया। तो अब से जो है आपका स्पीकिंग का पार्ट भी थोड़ा सा सही हो जाएगा, एंड एज वेल एज आपका एग्जाम में जब आएगा वो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक एग्जाम आया था आपके, कौन से एग्जाम में, कलकत्ता का कोई एग्जाम था, मुझे ध्यान नहीं है, है तो गवर्नमेंट का ही ऐसे करके था कुछ, दे आर मैरिड फॉर 14 years, but now they want to be separated. ठीक है, उनकी शादी को 14 साल हो गए, बट अब वो दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, ठीक है। आमिर खान एग्जाम्पल अचानक याद आ गया, राइट, तो आमिर खान की तरह ही अब जो है उनकी शादी को इतने साल हो गए। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास चाहे आई एन जी हो, चाहे वर्क की थर्ड फॉर्म हो, चाहे कुछ भी ना हो, डजंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है, बस ईजेमआर आ गया, टाइम आ गया ना तो सीधा काट करके कर दो, दे हैव बीन मैरिड, बस, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे आई एन जी है या वर्क की थर्ड फॉर्म है या कुछ भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देख लो ईजेमआर के साथ टाइम आ रहा है, फट से काट करके हटा दो उसे, राइट। सर अगर सेंटेंस ऐसे हो कि हम 5 साल पहले फ्रेंड्स थे, अब नहीं है, तो सर उसमें सिंपल पास्ट आएगा? हाँ, क्या दोबारा बोलो? अगर सेंटेंस है कि हम 5 साल पहले फ्रेंड्स थे बट अब नहीं है, तो उसमें कौन सा टेंस होगा सर? अच्छा बताता हूँ सर, इसमें वांट टू बी भी क्यों आया, एक बार बताएंगे? वांट टू बी सेपरेटेड, they want to be separated, want to be separated, क्या नहीं, क्या इसमें क्या समझ नहीं आया? मोनिका आपने माइक ऑफ कर रखा है, सॉरी सर, इसमें बी क्यों लगा? टू बी सेपरेट, टू बी, हे भगवान, बी सेपरेटेड, टू गेट सेपरेटेड, ये ना, they want to be separate, देखो गेट इस्तेमाल किया जाता है किसी और के थ्रू आप सेपरेट हो रहे हो, लेकिन अच्छा, हो रहे हो तो भी लगा सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं ये काम करूंगा, आई विल डू इट, और मैं ये काम करवा दूंगा तो आई विल गेट इट डन, ठीक है। अब एक बात बताओ, राम ने अपनी बेटी की शादी करवाई, क्या सेंटेंस बनेगा? राम ने अपनी बेटी की शादी करवाई, राम मेड हर डॉटर, सॉरी, हाँ, गेट मैरिड, ये लो भाई, उसने खुद की शादी करी है, नहीं, मेड हर डॉटर हो जाएगा ना सर, राम मेड हर डॉटर, कुछ अगर हम ये कहें कि राम मैरिड हर डॉटर तो लॉजिक ही खत्म हो गया, इसका मतलब हाँ, नहीं, हम जब किसी की शादी करवाते हैं ना तो होता है ऐसे, राम गॉट हर डॉटर, सर, टू बी सेपरेटेड में पैसिव का रूल लगेगा क्या?
वही थोड़ा सा हाँ सर हाँ पैसे करो दे वांट टू सेपरेट जी जी दे वांट टू सेपरेट मैं वही सर हाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ गई अच्छा हम इसको दोनों वे में बोल सकते हैं दे वांट टू सेपरेट देमसेल्फ यानी कि वो एक दूसरे से तो सेपरेट करना चाहते हैं दे वांट टू बी सेपरेटेड मतलब किसी और के थ्रू वो सेपरेट होना चाहते हैं बताया है मैंने वर्ब में आपको सब बताया कि 2 + 1 की फर्स्ट होगा 2 + b + 1 की थर्ड होगा दोनों पॉसिबल है किसी किसी केस में उन्होंने सिखाया हुआ जी 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 अभी बेटा मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं दे पाऊंगा ठीक ठीक है सर ठीक मैं बताएं तब ठीक सी हो रही है मेरी अगली क्लास में बाकी का क्वेश्चन होगा ना अगली क्लास में पूछ लेना ठीक है बच्चों तो आज की क्लास में यहीं पे फिलहाल ओके सर ठीक है गुड नाइट सर गुड नाइट एवरीवन सर की तबीयत खराब है कल बुक लेना सर बहुत हो गया मेरे को वैसे अवेलेबल होगा देख लेना बाकी मैं कल देखा ठीक है एक तो एनिवर्सरी ऊपर से परेशान आ रहा सर हैप्पी एनिवर्सरी सर हैप्पी एनिवर्सरी एनिवर्सरी सर एक बच्चे ने मेरे को लिखा हैप्पी यूनिवर्सिटी हैप्पी एनिवर्सरी कमाल है एक लड़की थी कोई पता नहीं कौन अभी मैंने रिप्लाई दिया नहीं मैं पढ़ा रहा हूं क्लास के बाद रिप्लाई दूंगा क्या रिप्लाई दूं ये सोच रहा हूं आप बताओ क्या रिप्लाई हैप्पी यूनिवर्सिटी Happy anniversary, sir. Good night. Take care. Happy universe. Take care. Take care. Happy universe. Good night. Take care, sir. Good night, sir. Take care, sir. Bye-bye. Good night. Take care, sir.